शिक्षिका अनामिका शुक्ला कांड के बाद सतर्क हुआ चिकित्सा विभाग। अब डॉक्टरों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की भी होगी जांच। केटीएमयू पीजीआई समेत मेडिकल कॉलेजों में तैनात चिकित्सकों के प्रमाण पत्र होंगे चेक। शासन ने पत्र भेजकर संस्थानों को जल्द रिपोर्ट भेजने के दिया आदेश। कोरोना काल में सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाई। नियुक्तियों में अनियमितता और अस्पताल में अव्यवस्था के आरोप में आरएमएल के निदेशक प्रोफेसर एके त्रिपाठी सस्पेंड। पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नुजहत हुसैन को मिला चार्ज। गौतम बुद्ध नगर में रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 300 करोड़ से ज्यादा की देनदारी। वसूली के लिए बिजली विभाग ने कसी कमर। उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे रिमाइंडर। बिल जमा न करने पर काटे जा सकते हैं कनेक्शन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सोपोर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। एक घर में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर। कोरोनिल को कोरोना की दवा बताने पर उत्तराखंड सरकार ने भेजा दिव्य फार्मेसी को नोटिस। भ्रामक प्रचार न करने की नसीहत। पूछा, बिना इजाजत कोरोना की दवाई बनाने का दावा कैसे किया? क्यों ना लाइसेंस रद्द कर दिया जाए? एक हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तराखंड में आज से 2 गुने किराए के साथ रोडवेज बसों का संचालन होगा शुरू। पहले चरण में सीमित रूट्स पर ही चल रही हैं बसें। सोशल डिस्टेंसिंग पर खास नजर। लगातार 19वें दिन बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 16 पैसे तो डीजल 14 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.92 रुपए हुई, डीजल 80 रुपए के पार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सियासत तेज। केंद्र सरकार के खिलाफ आज यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन। दसवीं बारहवीं के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट दे सकता है फैसला। कल गृह स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय ने रिपोर्ट सौंपी। भारत के खिलाफ चीन की साजिश पर नया खुलासा। उत्तरी लद्दाख में डेपसांग में चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सबसे ताकतवर T-90 भीष्म टैंक तैनात किए।